हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस इज अंजुमौर और आज की क्लास में बड़ा प्रोन क्वेश्चन पूछा जाता है लंग फिशेस से डिपनोइज से डिपनोइज कहते हैं डिप्नोइज क्लास जो कि आपके आ, बोनी फिशेस में ही आते हैं तो ये बोनी फिशेस हैं लेकिन इनमें लंग्स पाए जाते हैं इसलिए इनको लंग फिशेस के नाम से जाना जाता है सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो आप कह सकते हो डिसकॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और एंडेमिक है डिसकॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन और एंडेमिक का मतलब होता है ये कंटिन्यूस नहीं पाए जाते कहीं कहीं पाए जाते हैं और पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लंग फिशेस होते हैं वो फिशेस और एम्फीवियन के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है फिशेस और एम्फिवियन के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो है ऑस्ट्रेलियन लंग फिश अमेरिकन लंग फिश और अफ्रीकन लंग फिश तीन आपसे पूछा जाता है और स्टूडेंट बार बार यहीं पर जो है ना कंफ्यूज uh, हो जाते हैं है ना तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अभी साथ में अभी तक हमने कोई ट्रिक बनाया नहीं है इसका लेकिन साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रिक बना के आपको बताएंगे पहले देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन लंग फिश जिसको न्यो कहा जाता है अमेरिकन को जिसको लेपिडोसाइरेन कहा जाता है और अफ्रीकन को प्रोटोपटेरस कहा जाता है एक्चुअली प्रोटोपटेरस ही कनेक्टिंग लिंक फिशेज और एम्फीवन के बीच का माना जाता है दो तीन इन्फॉर्मेशन इनके बारे में और आप कलेक्ट uh, कर सकते हैं पहली चीज़ जो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है ये तो फ्रेश वाटर में रहती है ये बाहर नहीं रह सकती वाटर के बिना नहीं रह सकती और इसमें सिंगल लंग पाया जाता है इसलिए इनको मोनो के नाम से जाना जाता है मोनो के नाम से जाना जाता है लेकिन जो अमेरिकन और अफ्रीकन लंग हैं लेपिडोपसाइरेन लेपिडोसाइरेन और प्रोटोपटेरस ये मडी श्वेम्पी, मार्सी एरिया में रह सकते हैं और इनके पास पेयर्ड लंग है डिप्लोनिमोना के नाम से जाना जाता है तो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश न्यू अमेरिकन लंग फिश लेपिडोसाइरेन और अफ्रीकन लंग फिश जो है प्रोटोपटेरस तो पहले तो देखिए एक नई आस नई आस ऐसे याद रखो ये तो हम आ, ये ये ट्रिक तो हम बताते थे स्टूडेंट को नई आस है ठीक है नई आस है और अमला याद रख लो अमला बस दो ही चीज़ आपको याद रख लो नई आस और अमला तो अमला से हम ये कह सकते हैं कि जो अमेरिकन है वो लेपिडोसाइरेन है और नई मतलब नियो जो है नियो सिरोटोडस वो ऑस्ट्रेलियन है तो अम, जो लेपिडोसाइरेन है वो अमेरिकन है और जो ऑस्ट्रेलियन मतलब जो नियो सिरोटोडस है वो ऑस्ट्रेलियन है बचा प्रोटोपटेरस अफ्रीकन हो गया है ना बट बचा प्रोटोपटेरस वो अफ्रीकन तीन ही याद ही रखना है नियोसिरोटोडस नियो नई नियो आस नई आस मतलब नियोसिरोटोडस ऑस्ट्रेलियन हो गया अमला से याद रख लीजिए अमला से आप कहेंगे अमेरिकन जो है वो लेपिडोसाइरेन हो गया बचा एक प्रोटोपटेरस इसको अफ्रीकन लंग फिश कहते हैं याद रख लेना कौन मोनो निमोना है और कौन डिप्लो निमोना है आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके से वीडियो समझ में आ गया होगा अगली किसी वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बाय बाय सभी को अगली वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक के बारे में डिस्कशन करेंगे